मध्य प्रदेश में आज से कांग्रेस का प्रचार महाअभियान। भोपाल जबलपुर में पदयात्रा करेंगे राहुल गांधी। सूबे में 17 नवंबर को है मतदान। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर बीजेपी ने झोंकी ताकत। दुर्ग में 4 नवंबर को पीएम मोदी का दौरा। जनसभा को करेंगे संबोधित। राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस ने दिखाया दम। आज सीएम गहलोत करेंगे जनसभा को संबोधित। कई क्षेत्रों में होगी रैली। रैली में बेटे का भाषण सुनकर वसुंधरा राजे ने दिया राजनीति छोड़ने का संकेत। अब मैं रिटायरमेंट ले सकती हूँ। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए खुला अलग बैंक खाता। तेजी हुई भव्य उत्सव की तैयारियां। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके। देर तक कांपती रही धरती। नेपाल में भूकंप से भीषण तबाही। अब तक 128 लोगों की जान। प्रधानमंत्री दहल प्रभावित इलाकों के लिए रवाना। केरल तमिलनाडु सहित देश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना। दिल्ली में कोहरे की दस्तक। दिल्ली में एयर पोल्यूशन से थोड़ी राहत जरूर लेकिन कैटेगरी गंभीर। हालात से निपटने 500 से ज्यादा टीमें ग्राउंड पर उतरेंगी। टीम इंडिया को बड़ा झटका। चोट की वजह से वर्ल्ड कप से बाहर हुए हार्दिक पंड्या। युद्ध के बीच अरब देश पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री। गजा युद्ध विराम पर अपनाएंगे नया रुख। औसत गजा के लोग हर दिन रोटी के 2 टुकड़ों और पानी की कमी का कर रहे हैं सामना। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी का बयान। पाकिस्तान के ग्वादर जिले में हमले में 14 सैनिकों की गई जान। 2 वाहनों पर आतंकियों ने किया था हमला। हमास के खिलाफ इजरायली सेना ने तेज किया ऑपरेशन। विस्फोटक लगाकर सुरंगों को उड़ाया। इजरायली पीएम नेतन्याहू का बयान। हमारी जीत पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी। लक्ष्य हासिल करने तक नहीं रुकेंगे। ऋषि सुनक ने दी दुनिया के पहले AI सुरक्षा संस्थान के शुभारंभ की घोषणा। एलन मस्क ने बताया जादुई जिन। त्योहारों पर कीमतों को नियंत्रित करने की कवायद। बफर स्टॉक से 1,00,000 टन प्याज बेचेगी केंद्र सरकार। आदित्य बिरला कैपिटल ने दूसरे तिमाही में 705 करोड़ रुपए कमाए। कंपनी से मुनाफे में हुआ 44% इजाफा। 2030 तक 40 अरब डॉलर का कपड़ा निर्यात कर सकता है भारत। 600 रुपए सस्ती हुई चांदी। सेवा क्षेत्र की गतिविधियां 7 महीने के निचले स्तर पर। उत्पादन और मांग में नरमी से आई है गिरावट।